अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स बिन ग्रेट यू आर जॉइनिंग मी अगेन। आज हम बिहारी टिक्का मैकरोनी बनाने जा रहे हैं रेडीमेड पैकेट के साथ। आइए शुरू करते हैं। ये देखिए, ये बिहारी टिक्का मैकरोनी का पैकेट है बेक पार्लर का, जिसके अंदर ऑलरेडी मसाले का पैकेट मौजूद है। और इसको घर में कोई भी कभी भी बहुत ही जल्दी बना सकता है, बिकॉज़ इधर उधर से मसाले वगैरह कुछ इकट्ठा नहीं करना है, ये पैकेट इस्तेमाल करना है और हमारा टिक्का मैकरोनी तैयार है। अब इसमें बोनलेस चिकन लीजिए, 250 ग्राम के करीब होना चाहिए, बट मेरे पास सिर्फ 200 ग्राम था घर में रखा हुआ बोनलेस, तो फिर मैंने उतना ही यूज़ किया है। एक टेबल स्पून बारीक पिसा हुआ अदरक लहसुन आप डालिए इसमें, और ये जो मसाले का पैकेट है इसमें से 2 टी स्पून आप डालिए चिकन में और अच्छी तरह से इसको मिक्स कीजिए। बहुत अच्छे से मिक्स कीजिए। अब ज़रा ड्राई आपको लगेगा, तो आप इसमें ये कीजिए कि 1-2 टेबलस्पून आप इसमें ऑयल डालिए और 1 टेबलस्पून सफ़ेद सिरका। सफ़ेद सिरके का शॉट मैं नहीं ले सकी, आई एम सॉरी। आप इसमें सिरका भी डालिए और इसको 20 से 25 मिनट के लिए फ्रिज में मैरिनेट होने के लिए रख दीजिए। अब हम आम तरीके से मैकरोनी बॉईल करेंगे, मैं आपको बीच में समझाऊंगी कि कैसे करनी है। आप पैन लीजिए, उसमें 4-5 टेबलस्पून आप ऑयल डालिए और एक दरमियानी छोटी प्याज आप इसमें स्लाइस करके डाल दीजिए, डायरेक्ट काट लीजिए। अब जब तक ये प्याज हो रहा है, आप दूसरे पैन में पानी उबालिए, 1 टीस्पून नमक और 2 टेबलस्पून उसमें ऑयल डाल के 6 मिनट के लिए मैकरोनीज बॉईल कीजिए, स्ट्रेन कीजिए। उसके अंदर आप 2 टेबलस्पून ऑयल डालिए और उसको एक साइड पे रख दीजिए। अब ये मैरिनेटेड चिकन हमने प्याज में डाल दिया है और इसको भूनिए, अच्छी तरह से भुन जाए। तो उसके बाद हमने 1/2 कप दही फेंट के रखी है, जो कि हम इस चिकन में ऐड करेंगे। आप दही के साथ चाहें तो 1/4 कप पानी भी डाल सकते हैं ताकि चिकन अच्छे से गल जाए, और इसको दम दे दीजिए। 3-4 मिनट के बाद आप देखेंगे कि आपका दही का पानी खुश्क हो गया है, और चेक कीजिए चिकन भी गल गया है। उसके बाद आप बाकी का जो पैकेट है मसाले का वो सारा इसमें ऐड कर दीजिए और फिर चिकन को मज़ीद अच्छी तरह से भूनिए। मुझे यहाँ भी चिकन थोड़ा ड्राई लगा, तो मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल इसमें और ऐड कर दिया। आपकी मर्ज़ी आप शामिल कीजिए, और नहीं मर्ज़ी तो कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन चिकन को आप अच्छी तरह से भून लीजिए। देखिए हमारा चिकन बहुत अच्छी तरह से भुन गया है। अब हमें गार्निश के लिए थोड़ा सा चिकन यहाँ से निकाल लेना है, ताकि हम जब इसको डिश आउट करें तो चिकन थोड़ा सा चिकन ऊपर हम डेकोरेट करने के लिए रखें। चिकन देखें हमारी गल गई है, हमने इसमें से थोड़ा सा चिकन निकाल के एक साइड पर रख दिया है। ये आप ज़रूर कीजिए, वरना डिश की गार्निशिंग थोड़ी माठी पड़ जाएगी। अब देखिए हमने सारी मैकरोनीज ऐड कर दी हैं। मैकरोनीज को अच्छी तरह मसाले में मिक्स कीजिए। जब चिकन का मसाला मैकरोनीज में अच्छी तरह मिक्स हो जाए, तो ये देखिए बारबेक्यू सॉस है, ये आप 3 से 4 टेबलस्पून ऐड कर लीजिए और तमाम मैकरोनी में अच्छी तरह से इसको मिक्स कर दीजिए। इससे बारबेक्यू का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, इसलिए अगर आपके पास नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं, कुछ भी ऐड मत कीजिए। 5-6 मिनट के लिए इसको दम दे दीजिए। और अब हम कोयला गरम कर रहे हैं, कोयला दहका के हमने इसको धुआं देना है।
तो जब कोयला अच्छे से गर्म हो जाए तो हम मैक्रोनी के अंदर इसको रख के इसको धुआ देंगे। आप ये देखिए, कोई ब्रेड का स्लाइस ले लीजिए, कोई रोटी का टुकड़ा ले लीजिए, और नहीं तो फॉइल का छोटा सा पीस लीजिए, उसको रखिए, दहता हुआ कोयला इस पर रखिए और जस्ट एक दो ड्रॉप्स इसमें ऑयल के डालिए। एकदम से आप देखें धुआं उठने लग जाएगा, आप इसको एकदम से ढक्कन दे दीजिए और तकरीबन 2-3 मिनट के लिए आप ये धुआं इसके अंदर ही रहने दीजिए। तीन मिनट के बाद आप ढक्कन खोलेंगे तो ऑफ कोर्स इसमें धुएं का टेस्ट शामिल हो चुका होगा। आप कोयला निकालिए, फॉइल का पीस निकालिए, मैक्रोनी मिक्स कीजिए, डिश आउट कीजिए। जो चिकन हमने निकाल के रखी थी उस चिकन को ऊपर गार्निश कीजिए, हरा धनिया डालिए और दिस इज़ हाउ इट लुक्स। आप देखिए, आप खुद भी खाइए और जिसको खिलाएंगे उसे भी बहुत पसंद आएगा। आई होप यू हैव एन्जॉयड माई वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।